हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे पावर बीआई में अपने डेटाबेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक्सेल के फाइल बनाएंगे और उस एक्सेल के डेटाबेस को अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी एक टेबल बनी हुई है एक्सेल में, जिसके अंदर आपको आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, रैंक ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, ये मेरा पावर बीआई ओपन हुआ हुआ है। इसके अंदर हम कहां से करेंगे, सबसे पहले हम अपने होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद हमारे सामने गेट डाटा का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, हम इस ऑप्शन में हमें काफ़ी सारे डेटाबेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक्सेल वर्कबुक, पावर बीआई डेटाबेस, डेटा फ्लो, एसक्यूएल सर्वर, वेब, बैंक क्यूरी। तो हम दोस्तों, सभी तरीके से हम यहां पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल की से डेटा लाएंगे। हम एक्सेल को क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहां पर क्लिक करने के बाद वो मेरी जहां पर भी डेटाबेस पड़ा हुआ है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा डेटाबेस डेस्कटॉप के अंदर डिटेल्स के नाम से पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये मेरा प्रोसेस चल गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसने शो कर दिया है कि मेरी आपको शीट वन लेनी है, शीट टू लेनी है, शीट थ्री। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी एक्सेल में तीन शीट बनी हुई है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, मगर मेरा जो डेटा पड़ा है वो शीट वन में पड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं शीट वन को सिलेक्ट करूँगा। शीट वन का मेरा डेटा यहाँ पर शो हो जाता है और मैं इसको लोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा डेटा लोड हो रहा है। अब ये प्रोसेस थोड़ा चल रहा है। अब देखो दोस्तों, आप देख सकते हो साइड में हमारे पास शीट वन एंटर हो चुकी है। अब हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करूंगा तो मुझे मेरा टेबल का व्यू दिखाई देगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे आईडी, नाम, मोबाइल नंबर ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, मेरा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरह से आप एक्सेल या फिर एसक्यूएल, एज्योर, किसी भी डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पावर बीआई में इंपोर्ट डेटा की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारी आने वाली पावर बीआई की वीडियो के साथ। धन्यवाद।